हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एस के आर के पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपने अभी देखा वीडियो का क्लिप में फर्स्ट में, जैसे कि एक वीडियो देखा उस तरह का वीडियो कैसे एडिटिंग, थंबनेल पे भी देख लिया था एंड टाइटल में भी देख लिया था कैसे इस तरह का वीडियो एडिटिंग करें, इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिए एंड वीडियो को देख के आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना पूरा पता चलेगा। जैसे कि इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको फेसबुक जो है, फेसबुक से एक पोस्ट करने के लिए कुछ आपको टाइपिंग करना पड़ता है, उसको स्क्रीनशॉट लेके आपको इनशॉट वीडियो एडिटिंग से आपको एडिटिंग करना पड़ता है। तो इनशॉट वीडियो एडिटिंग ऐप्स मेरा ट्विटर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह वीडियो कैसे एडिटिंग करें इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, अगर आपको सीखना तो वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, चलते वीडियो की तरफ एंड देखते कैसे एडिटिंग कर। सबसे पहले आप अपना फेसबुक को ओपन कर लीजिए। फेसबुक तो आपके पास होगा ही, फेसबुक नहीं होगा तो इस तरह का वीडियो के बारे में सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखने के पहले, टाइप करने के पहले आपको जो कि को ड्रैग मोड में कर लेना है। सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा ड्रैग मोड करने के लिए। ड्रैग मोड को ऑन कर लीजिए। इस तरह से ड्रैग मोड को ऑन करने के बाद वो कुछ फिर से चला जाइए अपना प्रोफाइल में। यहाँ से पोस्ट करने की जगह में कुछ लिखिए, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ टाइपिंग करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। क्योंकि आई ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई लव इंडिया। ऐसे को सिंपल आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको बैकग्राउंड के लिए कुछ एक फ़ोटो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ भी एक बैकग्राउंड के लिए फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको जस्ट इंसर्ट ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। इंसर्ट ऐप्स आपका स्टोर में मिल जाएगा, नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दो है, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। इंसर्ट ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे वीडियोस पे जाइए, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो भी आपका वीडियोस है उस वीडियोस को आप यहाँ से जो भी बैकग्राउंड लिया था वो बैकग्राउंड को आप यहाँ से ले लीजिए। जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया था बैकग्राउंड को यहाँ से लेने के बाद आपको बैकग्राउंड का जो है थोड़ा सा टाइम लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेना है, जितना बड़ा आपका वीडियो होगा। टाइम लाइन को थोड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे VIP पे ऑप्शन में आएगा। VIP पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आपका जो अभी स्क्रीनशॉट लिया है आपने, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे क्लिक कीजिए। इस तरह का स्क्रीनशॉट आपने लिया, जो तो पहला बैकग्राउंड था इसको आपको सेम टाइम लाइन कर लीजिए। रंग लेंथ था क्रॉप पे क्लिक करके आपको साइज़ जो है 1x1 कर लीजिए। इसके 1x1 करके आपका जितना भी ये पोस्ट है उसको क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपको इसे आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आप इस तरह से देख ऑप्शन को देख के जिस तरह से आपको ये मैच होगा उस तरीके से आप मैच करके इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको वीडियो के साथ बैकग्राउंड भी आएगा और ये भी आएगा, इस तरीके से आपको इसको मैच कर लीजिए। जैसे कि इस ए अगर आएगा तो फिर से आप यहाँ से क्रोम में जाकर क्रॉप पे जाके थोड़ा तो लेंथ करके इसको लेंथ को बढ़ा सकते हैं। इसका मैचिंग आप लेंथ को कर सकते हैं। जैसे इस ऐसे करेगा तो बैकग्राउंड को थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ से बैकग्राउंड देखने के लिए फिर से एक बार जो कि फिर से आपको यहाँ से इसको बुलेट को क्लिक करना पड़ेगा। इस बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। जैसे कि इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इसको। फिर इसको बैकग्राउंड की तरह समझने के लिए आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं कौन सा अच्छा होगा। जैसे कि आपने देख देख के आप चुन चुन के लगा लीजिए। जैसे कि इस ये भी थोड़ा सा सही है। तो इस तरीके से आपको जो कि मैचिंग कर लेना है बैकग्राउंड से इस इमेज के साथ। स्क्रीनशॉट जो इमेज है उसके साथ जो बैकग्राउंड है उसके साथ थोड़ा मैचिंग कर लेना पड़ेगा। मैचिंग करके जो भी मैचिंग होगा मैचिंग करके आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि ये भी थोड़ा मैचिंग होगा, इस तरीके से आप इसको मैचिंग करके लगा लीजिए। एंड फिर से आप यहाँ से फिल्टर पे क्लिक कीजिए। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसकी आपका हो गया, थोड़ा फिर से क्लिक कर दीजिए। यहाँ से फिल्टर पे क्लिक कर लीजिए। इफेक्ट पे क्लिक करके आप इनके दो नंबर वाले दूसरे जा के इसके आके ये वाला इफेक्ट लगा लीजिए। फिर आपको सही लगा वो इफेक्ट आप यहाँ से लगा लीजिए। इस तरह का इफेक्ट लगा के आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इफेक्ट को भी थोड़ा सा टाइमलाइन वीडियो एंड तक कर लेना है। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो को जस्ट एडिटिंग करके आप अपने मुताबिक कर लीजिए। जैसे कि मैं जस्ट दिखाया क्या कौन सा तरीके से आप कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपको डिज़ाइन जैसे भी अच्छा लगेगा, बहुत सारे मल्टीपल डिज़ाइन है यहाँ पे, आपको जो जो अच्छा लगेगा वो आप कर लीजिए। तो ऐसे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे कि आप वीडियो की जो इसका जो वाटरमार्क भी आप ऐसे ऐड देख के यानी आपको इसका जो ये है आप उसको खरीद के ऐप्स को आप ऐसे ऐड को वाटरमार्क को विदाउट वाटरमार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ से म्यूजिक आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपना म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इसकी मैंने ये वाला म्यूजिक यहाँ से ऐड कर दिया, यूज़ कर दिया। तो इस तरीके से आप म्यूजिक ऐड करके भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वीडियो कैसे एडिटिंग करना है, इस तरह का वीडियो। अगर आपको वीडियो को देख के पूरा अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट कौन सा ऐप्स का ट्यूटोरियल आप लोग वीडियो चाहता है तो इस तरह का कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट देके मैं आपको वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नया सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड वीडियो इस तरह का वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।